हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कन्नू डिजिटल। आज की वीडियो का थंबनेल देख करके तो आपको पता लग ही गया होगा कि आज की वीडियो किसके ऊपर है। तो दोस्तों, आज के बाद आपकी मर्जी के बगैर आपको कोई भी कॉल करके डिस्टर्ब नहीं कर सकता, जब तक आप ना चाहो। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि क्या करना है इसके लिए कि आपको कोई कॉल करके डिस्टर्ब ना कर पाए। जैसे कि आप कभी कोई मूवी देख रहे हो, आप चाहते हो कोई आपको कॉल करके डिस्टर्ब ना करे, तो आप ये कर दोगे तो आपको कोई भी कॉल करके डिस्टर्ब नहीं कर सकता जब तक आप मूवी देख रहे हो। आप कभी प्रोजेक्ट बना रहे हो, अपने कॉलेज का काम कर रहे हो, उस टाइम में हमारा मन करता है कि यार हमें कोई कॉल करके डिस्टर्ब ना करें, हम अपना प्रोजेक्ट ठीक से कंप्लीट कर लें। तो आप उस टाइम में अगर इसको कर देते हो तो आपको प्रोजेक्ट बनाते टाइम कोई भी कॉल करके डिस्टर्ब नहीं कर सकता। बहुत सारे दोस्तों आजकल पबजी खेल रहे हैं, तो दोस्तों उस टाइम में आप ये कर दोगे तो आपको कोई भी पबजी के टाइम पर डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप आराम से अपना पबजी कंटिन्यू कर सकते हो, पबजी खेल सकते हो। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि ये सब कैसे करना है। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को लाल बटन दबा के कर दिए सब्सक्राइब, एंड बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा जिससे कि न्यू वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। आइए दोस्तों, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सारे टॉपिक ठीक से देखिएगा वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आ गए हम अपने फ़ोन स्क्रीन पे। अब आपको आपकी मर्जी के बिना नेट यूज़ करते हुए कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आप अपना तब भी खोल सकते हो, तब भी आपके पास कोई कॉल करके डिस्टर्ब नहीं कर सकता। कुछ भी कर रहे हो, आप वीडियो बना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आपको कोई कॉल करके डिस्टर्ब नहीं कर सकता। और ये काम आप बिना किसी ऐप के कर सकते हो, आपको इसके लिए किसी ऐप की ज़रूरत नहीं है। आप ये सिंपली अपने फ़ोन से भी कर सकते हो। यहाँ पे मेरा एक दूसरा फ़ोन है, मैं उससे आपको कॉल करके दिखाता हूँ कि मेरे नंबर पे अभी कॉल आ रही है नहीं आ रही है। तो ये मेरा दूसरा फ़ोन है, मैं इससे कॉल कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अभी भी मेरे नंबर पर कॉल आ रही है, एंड अब मैं दिखाता हूँ कि हमें अपने फ़ोन में क्या करना है जिससे कि हमें नेट यूज़ करते हुए कोई भी हमें कॉल ना करे, एंड हम अपने आराम से पबजी खेल सकते हैं या जो भी और काम कर रहे हैं, जैसे कि वीडियो मेकिंग कर रहे हैं या टिकटॉक कुछ देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमें कॉल ना करे कोई, या मूवी देख रहे हैं हम उस टाइम में चाहते हैं हमें कॉल कोई ना करे, तो हम ये सब कैसे करें, अपने कॉल को डिसेबल कैसे करें। आपको डायल पैड में जाना है। डायल पैड में जाने के बाद यहाँ 3 डॉट दिख रहे हैं, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद ये चौथा ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है, कॉलिंग अकाउंट्स, आपको इसमें जाना है। इसमें आने के बाद जो आपका सिम है, आपको सिम की सेटिंग्स में जाना है, एंड इसमें जाने के बाद कॉल फॉरवर्डिंग आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, चौथा ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये थोड़ा टाइम लेगा उसको लोड होने में, एंड लोड होने के बाद आपको सिंपली बस एक काम करना है, एंड उसके बाद आपके पास कोई भी कॉल नहीं आएगी जब तक आप ना चाहो। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है ऑलवेज फॉरवर्ड, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे एक नंबर डालना है। आपको यहाँ पे एक ऐसा नंबर डालना है जो नंबर बंद हो, वरना आप अगर किसी ऐसे नंबर को डाल दोगे जो अभी चालू है तो आपकी सारी कॉल्स उस नंबर पे फॉरवर्ड हो जाएंगी। तो दोस्तों, यहाँ पे कोई ऐसा ही नंबर डालें जो अभी बंद हो। तो मैं एक ऐसे ही नंबर डाल देता हूँ, एंड जो नंबर अभी बंद है यहाँ पे मैं इसको टर्न ऑन कर देता हूँ, और ये अपडेटिंग सेटिंग हो रहा है, एंड बस आपको कुछ मिनट वेट करना है एंड ये अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे ऑलवेज फॉरवर्ड यहाँ पे हो गया है, और इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब मैं अपने दूसरे फ़ोन से दोबारा से कॉल करता हूँ और देखता हूँ कि मेरे नंबर पर कॉल आ रही है या नहीं आ रही है। ये देखिए दोस्तों, मेरे नंबर पे अब दोबारा मैं कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मेरे नंबर पे दोबारा कॉल नहीं लग रही है। एंड मैं अगर अब देखूँ कि मेरा नेट चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो मैं यहाँ पे कुछ सर्च करके देखता हूँ, एंड मैं अपना चैनल सर्च करता हूँ कन्नू डिजिटल। एंड दोस्तों देखिए, मेरा अभी नेट चल रहा है एंड बहुत अच्छा चल रहा है, ये मेरा चैनल है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड रेड वाला बटन दबा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा जिससे कि न्यू वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई थी, वो क्या है कि अगर आप अपना पबजी खेल रहे थे तो पबजी खेल चुके हो, एंड या मूवी देख रहे थे, मूवी देख चुके हो, या कुछ भी कर रहे थे वो काम कर चुके हो, उसके बाद आप इसको डिसेबल कर देना है, टर्न ऑफ कर देना, वरना आपकी कोई इंपॉर्टेंट कॉल आपके पास आने से रह सकती है। तो दोस्तों, याद से इसको टर्न ऑफ भी कर देना। आपको सिंपली वहीं जाना है जहाँ जहाँ हम गए थे, सेटिंग्स में, कॉलिंग अकाउंट्स में एंड सिम सेटिंग में, इसके बाद कॉल फॉरवर्डिंग में, एंड इसके बाद आपको यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन था ऑलवेज फॉरवर्ड, आपको बस सिंपली इसको टर्न ऑफ कर देना है, एंड आपके नंबर पे दोबारा कॉल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, एंड मैंने यहाँ पे टर्न ऑफ कर दिया। टर्न ऑफ करने के बाद अब अगर मैं अपने दूसरे फ़ोन से कॉलिंग करना चाहूँ तो मेरे नंबर पर कॉलिंग स्टार्ट हो जाएंगे। ये मैं अपना नंबर डायल कर रहा हूँ,
एंड दोस्तों जी रिंग जा रहा है एंड देखिए ये मेरे नंबर पे कॉल आ चुकी है। तो दोस्तों ऐसे आप चुटकियों में अपनी कॉल डिसेबल कर सकते हो एंड इनेबल कर सकते हो एंड आपकी मर्जी के बना आपके नंबर पे कोई भी कॉल नहीं आएगी। एंड दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाल वाला बटन दबा करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे कि न्यू वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिले।